60-40 चलते हो, बिल्कुल चलते हो, कैसे चलते हो बता दे रहे हैं कि भाई यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि लंबे समय से नियुक्ति की प्रक्रिया बंद थी। लोगों का, छात्रों का, परीक्षार्थियों का एज लैप्स हो रहा था, उसमें एज का रिलैक्सेशन भी मिला। पार्टी का जो मेन मुद्दा होता है हिंदुत्व का, और वो हिंदुओं का वोटों का ध्रुवीकरण करने में भी कामयाब होती है। जैसे अभी रामनवमी में भी हिंदू बनाम अन्य समुदाय का मामला हो जाता है, तो इससे उनको बल मिलता है, तो इससे कांग्रेस पार्टी कैसे मिलती है? देखिए, इसको आम जनता को समझना है, बाकी बुनियादी समस्याओं से कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला करके अपना वोट की राजनीति करता है। आप कभी भी आम लोगों के बारे में, चाहे आदिवासियों के मामले में, दलित के मामले में, पिछड़ों के मामले में, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात वो नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातों को लेकर के आपस में करा करके वो अपना वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, वोट बैंक के रूप में करती है। अभी अभी उदाहरण दे रहे हैं आपको, भुईहर मुंडा के बारे क्यों नहीं इसको उठा रहा है बताइए? भुईहर मुंडा लोग को बामन बना दिया गया, जो आपका भारत का रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन, उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है, तो आप क्यों इस पर नहीं बोल रहे हैं? दलित के बारे क्यों नहीं बोलता है? घासी चमार के बारे कभी सुने हैं बीजेपी का बोलने का? नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलेगा। चाहे आपका लैंड इशू के बारे में कभी बोलता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैब करने वाला लोग यही लोग हैं, तो इसलिए इनके पास में और कुछ ही नहीं है, तो इसलिए उनका सिर्फ और सिर्फ मंशा रहता है कि धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों के पास में हिंदू मुस्लिम ईसाई करा करके इस तरह का बातों को लोगों के बीच में अपना राजनीतिक कर रहा है। लेकिन आने वाले दिन में आप तो इसको जनता को, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि जनता को ही इस पर अपना मैंने तो फैसला तो जनता को करना है, इसलिए जनता को ऐसी चीज़ों को समझने की जरूरत है। चलते चलते मेरा लास्ट सवाल कि 60-40 नहीं चल, तो एक कैंपेन चल रहा है, तो युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रोध देखने को मिल रहा है सरकार के इस नीति का। देखिए, अगर ये 60-40 अगर नहीं किया जाता तो लोग फिर कोर्ट चला जाता और मामला को आपको फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता। सवाल है कि भाई सरकार 60 आपको 60 के बारे आपको समझ में आ रहा होगा, 40 सरकार के पास है, अब 40 भी आपको सरकार कितना देगी नहीं देगी सरकार डिसाइड करेगा, वो देगी उनके पास में। और अगर ये तो प्रक्रिया तो होने दीजिए, ये तो पता तो आपको चल जाएगा, अगर सरकार आपके साथ न्याय नहीं करेगी तो 2024 है। अब इसके लिए आपको इन भारतीय जनता पार्टी और उसका कुछ लोगों का झांसा में मत आओ, अरे करने तो दो। आप ना नियुक्ति करने देते हो, कोर्ट चले जाते हो, इसलिए कोर्ट में बचने के लिए इस तरह का जो फॉर्मूला राज्य सरकार अपनाई है, तो आप भरोसा रखें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पर, गठबंधन की सरकार पर। आपको इसको इस तरह समझिए, आप सरकार के हाथ में ही बाल्टी है और सरकार के हाथ में डड्डू भी है, दाल है बाल्टी में, आप किसको पानी देंगे और दाल गढ़ा देंगे सरकार विल डिसाइड। तो आप इतना इसमें हतबा क्यों मचाए? हाँ, अगर अन्याय होता है इसमें तो 24 में आप इसको, 24 में आपको फैसला लेना है, लेकिन जो सरकार कर रही है एक वैकल्पिक है, इसलिए हम 32 पर भी कायम है गठबंधन, और ये जो 60-40 चलता हो बढ़िया से चलता हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का आदमी के मिलता हो समय के देख, नहीं होता हो तो 24 में तो बता दे भी वो किरा बता दे। अच्छा।